ग्यारहवें नंबर पर हमारा अर्थतंत्र था, हम पांचवें नंबर पर ले आए, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1 अप्रैल 2028 के पहले हम दूसरे दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएंगे। दुनिया के किसी भी चुनाव का विश्लेषण करने वाले पंडित से बात करते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि 97 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं का वोटिंग कोई गड़बड़ के बगैर हो गया और सिर्फ 16 बूथों के अंदर पुनः मतदान हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने ऐसे देश भी देखे हैं जो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत आगे होते हैं और महीनों तक उनके परिणाम घोषित नहीं होते हैं। हमारे यहां 7 बजे मत गिनती शुरू हुई और 1 बजे परिणाम घोषित हो जाता है, विवाद भी नहीं होता है। ये बहुत बड़ी भी। जब कोरोना का संकट आया, दुनिया के विकसित देश अपनी तो चिंता कर ही रहे थे, साथ में भारत की विशेष चिंता करते, क्योंकि हम सब जानते थे उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था। वो सोचते थे कि क्या होगा भारत का 140 करोड़ की आबादी और कोरोना को कैसे टैकल करेंगे। पर हमारी परंपराओं में, हमारी पद्धतियों में एक ताकत पड़ी है। जब कोरोना समाप्त हुआ तब पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, कोरोना का सामना सबसे अच्छा भारत ने किया है, कम से कम नुकसान के साथ। जब हमारी ये स्ट्रेंथ दुनिया के सामने आती है तब चैलेंजेस बढ़ते हैं। वो चैलेंजेस को ध्यान में रखकर हमने हमारी तैयारियों को पुख्ता करना। यहां पर आपने 8 सत्र के अंदर नए आपराधिक कानून, फॉरेंसिक साइंस का उपयोग, डिजास्टर मैनेजमेंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग, साइबर धोखाधड़ी, स्मार्ट सिटी में पुलिसिंग, आदिवासी क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिसिंग और जेलों में कट्टरवाद से निपटने के उपाय, इस पर चर्चा होगी। मेरा आग्रह है कि सभी प्रतिभागियों से इसके अलावे किसी भी एक विषय पर उनके सुझाव मांगने चाहिए और इसको संकलित कर इसमें से आगे बढ़ने की हमने चेष्टा करनी चाहिए। भाइयों बहनों, जब मैं आज आप सबके सामने उपस्थित हूं तब भारत की आंतरिक सुरक्षा और हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के अंदर हम आमूलचूल परिवर्तन कर चुके हैं, और जब परिवर्तन होता है, कोई भी परिवर्तन परिश्रम की भी मांग करता है, सामंजस्य की भी मांग करता है और समावेशी होने की भी मांग करता है। परिवर्तन वरना सफल नहीं होते। और अब आने वाला 10 साल का जो दौर है, ये भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को दुनिया में सबसे आधुनिक, सबसे वैज्ञानिक और सबसे ज्यादा तेज बनाने का समय है। मैं पैदा हुआ तब से एक प्रकार से एक ताना सुन रहा हूं कि कोर्ट में जाने से बहुत देरी से न्याय मिलता है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 3 नए आपराधिक कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन के बाद देश के किसी भी थाने में जो FIR होगी, इसका सुप्रीम कोर्ट तक न्याय 3 साल के अंदर न्याय मांगने वालों को उपलब्ध हो जाए।
और बहुत जिम्मेदारी के साथ। मैं इसको बोल रहा हूं और इसके लिए हमने हमारी समस्त कार्यवाही को लक्ष्य उन्मुख से, लक्ष्य जो तय किया है इसकी सिद्धि तक नहीं, इसके परिणाम रिजल्ट्स और इसके परिमाण रिजल्ट्स के सभी डायमेंशन में सफलता तक ले जाना पड़ेगा। कभी आंकड़ों से सफलता नहीं मिलती, लक्ष्य तो सिद्ध होते हैं मगर इसके साथ, लक्ष्य के साथ जुड़े हुए सारे परिणाम, लक्ष्य से जिस जिस क्षेत्र में फायदा होना है वो हुआ क्या और वो फायदा सारे डायमेंशन में हुआ क्या, उस दिशा में हमें ले जाना पड़ेगा, तब जाकर हमें सफलता मिलेगी। हमने एक मजबूत नींव रखी है, आर्थिक रिफॉर्म, जीएसटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेक इन इंडिया, सोशल रिफॉर्म्स, 60 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी की सूची से बाहर निकाला है, युवाओं के लिए नई शिक्षा नीति, स्टार्टअप ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और R&D के ये 4 स्तर में विभाग कर हमने काम आगे बढ़ाया है। मातृशक्ति को हर क्षेत्र में 33% रिजर्वेशन देकर उनको एक प्लेटफॉर्म और सहभागिता का मौका दिया है और सालों से 3 क्षेत्र बहुत डिस्टर्ब माने जाते थे, कश्मीर, उत्तर पूर्व और नक्सलवाद पीड़ित क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र में हमने सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार किया है। विगत 10 साल के आंकड़े और इसके आगे के 10 साल को आंकड़ों का तुलनात्मक अभ्यास करें तो लगभग 70% हिंसा हम कम करने में सफल हुए हैं और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 70% हिंसा कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र के अंदर हम करने में, कम करने में सफल रहे और इसके लिए ढेर सारे लोगों ने मनोयोग के साथ सरकार के उद्देश्यों को सफल करने में काम किया है।